गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, साइंस में नेक्स्ट चैप्टर हम चैप्टर नंबर 2 पढ़ने जा रहे हैं, सेफ्टी एंड फर्स्ट एड। आपको इस चैप्टर में कि किस तरह से हम अपने घर में, बाहर, प्लेग्राउंड में, स्कूल में अपने आप को सेफ कैसे रखें, और अगर हमें कोई नुकसान पहुंचता है तो हम इमीडिएटली अपना ट्रीटमेंट कैसे कर सकते हैं वो बताया गया है। देखिए, एक्सीडेंट्स एंड अनएक्सपेक्टेड इवेंट दैट माइट लीड टू यू बीइंग हर्ट इज कॉल्ड एन एक्सीडेंट। दे कैन हैपन इफ यू आर केयरलेस। व्हेन यू गेट हर्ट इट इज पेनफुल। इट टेक्स टाइम टू गेट बेटर। एक्सीडेंट्स कैन हैपन एनीवेयर एंड एट एनी टाइम। यू हैव टू बी केयरफुल टू अवॉइड एक्सीडेंट्स। यू हैव टू फॉलो सेफ्टी रूल्स। कि एक्सीडेंट्स होते क्या है, अनएक्सपेक्टेड यानी जिसकी उम्मीद ही ना हो, ऐसा अगर आपके साथ होता है और आपको चोट लगती है तो वो एक्सीडेंट कहलाते हैं, और वो एक्सीडेंट तभी होते हैं जब आप केयरलेस होते हैं। उस चोट से आपको बहुत दर्द भी होता है और उसे ठीक होने में काफ़ी टाइम भी लग सकता है। एक्सीडेंट कभी भी, कहीं भी, किसी भी समय पर हो सकते हैं, इसीलिए आपको इन एक्सीडेंट्स से बचने के लिए केयरफुल रहना चाहिए। और इसके लिए हमें क्या फॉलो करने चाहिए, सेफ्टी रूल्स। सबसे पहले देखिए, सेफ्टी एट होम, आप अपने आप को घर में सेफ कैसे रख सकते हैं। डू नॉट लीव योर बुक्स एंड टॉयज लाइंग ऑन द फ्लोर। समवन माइट ट्रिप ओवर देम एंड फॉल। कि आपको अपने बुक्स और टॉयज को सड़क फर्श पर नहीं रखना चाहिए, फेंकना नहीं चाहिए। इससे क्या है, कोई पैर उनका अटक कर या फिसल कर गिर सकता है, नुकसान पहुंच सकता है। नाइफ्स, ब्लेड्स एंड सीजर्स आर शार्प, दे कैन कट यू। ऑलवेज यूज देम इन द प्रेजेंस ऑफ एन एडल्ट। चाकू, ब्लेड, कैंची बहुत तीखे होते हैं, उनसे आपको कट लग सकते हैं, इसीलिए जब भी आप इनका प्रयोग करें तो किसी बड़े की निगरानी में ही करें। प्लेइंग विथ मैच स्टिक्स इज एन डेंजरस। यूज देम ऑनली इन द प्रेजेंस ऑफ एन एडल्ट। ऑलवेज पुट आउट अ मैच स्टिक बिफोर थ्रोइंग इट अवे। माचिस से खेलना भी बहुत खतरनाक होता है। माचिस का प्रयोग आप सिर्फ किसी बड़े की निगरानी में ही करें, क्योंकि इससे भी आप लोगों को नुकसान पहुंचने का डर रहता है। ऑलवेज बी केयरफुल विथ फायरवर्क। दे कैन एक्सप्लोड एंड कॉज बर्न्स। आस्क एन एडल्ट टू हेल्प यू माइट लाइट फायरवर्क। हमेशा पटाखे जलाते समय सावधान रहें, वे कभी भी फट सकते हैं और आप जल सकते हो, इसीलिए अपने साथ किसी बड़े का होना बहुत जरूरी है। इलेक्ट्रिकल थिंग्स आर यूजफुल एज दे मेक आर वर्क ईजियर, बट इफ दे आर नॉट यूज केयरफुली दे कैन गिव इलेक्ट्रिक शॉक्स। एन इलेक्ट्रिक शॉक कैन किल अ पर्सन। इलेक्ट्रिक चीज़ें जो होती हैं वो हमारे काम को आसान बना देती हैं, हमारी लाइफ को बहुत ईजी बना दिया है इन इलेक्ट्रिक गैजेट्स ने, लेकिन अगर उनका हम सावधानीपूर्वक उपयोग ना करें तो इससे हमें करंट लगने का डर रहता है, और इस करंट से किसी इंसान की जान भी जा सकती है। नेवर प्ले विथ प्लग पॉइंट्स, ओपन वायर्स एंड इलेक्ट्रिकल थिंग्स। कभी भी प्लग पॉइंट्स से, खुली हुई तारों से या इलेक्ट्रिक चीज़ों से खेलना नहीं चाहिए। नेवर ट्राई टू टेस्ट एनीथिंग यू डू नॉट नो अबाउट। अगर आपको किसी चीज़ के बारे में नहीं पता है तो आप उसको बिना किसी से पूछे उसको टेस्ट मत करिए, क्योंकि हो सकता है वो जहरीली हो। Do not fly kites or play on the terrace. You can fall off if you are not careful. कभी भी अपनी छत पर खेलो मत, पतंगे मत उड़ाओ, क्योंकि इससे आप अगर सावधान नहीं है तो गिरने का डर रह सकता है। नेक्स्ट है सेफ्टी एट स्कूल। स्कूल में आप अपने आप को सेफ किस तरह से रख सकते हैं। Running up and down a staircase is a dangerous. Do not push anyone on the stairs. Always form a line before you come down the staircase. सीढ़ियों से उतरना चढ़ना बहुत खतरनाक होता है। कभी भी सीढ़ियों से उतरते समय या चढ़ते समय किसी को पीछे से धक्का ना दें। हमेशा लाइन लाइन में अपनी सीढ़ियों से नीचे उतरें।
Classroom are not for running and playing. The corners of desk are sharp and can hurt you badly. Climbing on the desk and playing inside the classroom can cause accidents. क्लासरूम में कभी भी दौड़िए या खेलिए मत. क्यों? क्योंकि वहाँ पर जो डेस्क होती हैं उनके कॉर्नर्स होते हैं वो शार्प होते हैं, वो आपको बुरी तरह से चोट पहुँचा सकते हैं. और डेस्क पर चढ़ने और अंदर खेलने, क्लासरूम में खेलने से भी एक्सीडेंट या चोट लगने का खतरा रहता है. डू नॉट रन इन द कॉरिडोर्स. कॉरिडोर्स आर वॉकिंग, फॉर वॉकिंग. कभी भी कॉरिडोर्स में दौड़ो मत, क्योंकि ये सिर्फ चलने के लिए ही होते हैं. नेक्स्ट देखिए, सेफ्टी ऑन द प्लेग्राउंड. प्लेग्राउंड में अपने आप को कैसे सेफ रख सकते हैं? व्हाइल प्लेइंग ऑन द स्लाइड और द स्विंग, वेट फॉर योर टर्न. डू नॉट पुश एनीवन व्हेन यू आर ऑन द स्लाइड, इट कैन बी डेंजरस. जब भी आप किसी स्लाइड पर या झूले पर होते हैं तो आप अपनी बारी का इंतजार करिए. कभी किसी को स्लाइड से धक्का मत देना, ये भी बहुत खतरनाक हो सकता है. प्लेइंग गेम इज अ लॉट ऑफ फन, बट देयर आर रूल्स टू बी फॉलोड इन एवरी गेम. इफ यू डू नॉट फॉलो द रूल्स ऑफ द गेम, यू कैन हर्ट अदर्स. गेम्स खेलना सबको बहुत पसंद आता है, लेकिन हर गेम के अपने अपने रूल्स होते हैं. अगर आप इन रूल्स को फॉलो नहीं करते तो आप दूसरों को चोट पहुंचा सकते हैं. अब इसके बाद देखिए, सेफ्टी ऑन द रोड. सड़क पर अपने आप को कैसे हम सेफ रखें? मैनी एक्सीडेंट्स हैपन ऑन द रोड. बी केयरफुल व्हेन यू वॉक टू स्कूल और होम. ऑलवेज वॉक ऑन द फुटपाथ. सड़क पर आप देखते हैं आए दिन बहुत एक्सीडेंट्स होते हैं, इसलिए जब भी आप स्कूल से घर आ रहे हो या घर से स्कूल जा रहे हो तो आपको बहुत केयरफुल रहना चाहिए और हमेशा फुटपाथ पर वॉक करते हुए चलना चाहिए. इफ़ यू हैव टू क्रॉस अ रोड, यूज द जेब्रा क्रॉसिंग. और जब भी आप सड़क पार कर रहे हैं तो आपको जेब्रा क्रॉसिंग पर ही सड़क पार करनी चाहिए. व्हेन यू साइकिल ऑन द रोड, कीप टू योर लेफ्ट. सिग्नल विद योर हैंड बिफोर यू टर्न वॉज द ट्रैफिक सिग्नल. When the light turns red, it means stop. The orange lights tell you to wait. When the lights turn green, you can go. जब भी आप सड़क पर साइकिल चला रहे हो तो हमेशा लेफ्ट साइड पर चलाएं और हमेशा मुड़ते समय अपने हाथ से सिग्नल दें. ट्रैफिक सिग्नल्स को फॉलो करें. जब भी ट्रैफिक सिग्नल पर रेड लाइट हो, इसका मतलब है रुक जा. और ऑरेंज लाइट है वो आपको इंतज़ार करने के लिए कहते हैं. और जब ग्रीन लाइट हो, इसका मतलब है कि आप आगे बढ़ सकते हैं. आपने देखा होगा ट्रैफिक लाइट को, तो इनका मीनिंग आपको ध्यान में रखना है. नेक्स्ट देखिए, फर्स्ट एड. अब आप इतने केयरफुल हैं लेकिन किसी कारण से आपको चोट लगती है तो आप कैसे अपनी आपको बचा सकते हैं? देखिए, इफ समवन गेट्स हर्ट इन एन एक्सीडेंट, डू नॉट पैनिक. ट्राई टू स्टे काम एंड हेल्प द इंजर्ड पर्सन. द फर्स्ट हेल्प दैट एन इंजर्ड पर्सन गेट्स इज कॉल्ड फर्स्ट एड. अगर कोई एक्सीडेंट होता है तो घबराओ मत, बिल्कुल पहले तो शांत हो और घायल व्यक्ति की मदद कर. घायल व्यक्ति को सबसे पहले मिलने वाली जो सुरक्षा होती है या उसका जो उपचार होता है, उसे ही फर्स्ट एड कहा जाता है. इफ़ अ वाउंड इज ब्लीडिंग, वॉश इट विद क्लीन वाटर. वाइप इट विद एन एंटीसेप्टिक सच एज डिटॉल. इफ द ब्लीडिंग डज नॉट स्टॉप, टाई अ बैंडेज. लॉस ऑफ टू मच ब्लड इज डेंजरस फॉर द इंजर्ड पर्सन. अब किसी घाव से अगर खून बह रहा है तो सबसे पहले आपको क्या करना है, उसे साफ पानी से धो लेना है. उसे फिर एंटीसेप्टिक, जैसे डिटॉल हो गया, उससे आप उसको पोंछ साफ करिए. अगर फिर भी खून बहना रुक नहीं रहा है तो उस पर पट्टी बांध दीजिए. और अगर खून ज़्यादा ही बहता है तो वो बहुत खतरनाक साबित हो सकता है, तो फिर आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए. इफ समवन गेट्स बर्न, प्लेस द पार्ट ऑफ द बॉडी दैट इज बर्न अंडर रनिंग कोल्ड वाटर. Keep it there until it stops hurting. If there are blisters, do not try to burst them. Cover the burn with a dry, clean handkerchief.
अगर कोई जल जाता है तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है, अपने उस जले हुए भाग को ठंडे पानी में रख दीजिए। मतलब जैसे हाथ जला है तो हाथ को ठंडे पानी में तब तक रखना है जब तक कि उसकी जलन कम ना हो जाए। और अगर हाथ उस जगह पर फफोले पड़ जाते हैं तो उनको फोड़ने की कोशिश मत करिए, उसे एक सूखे और साफ रुमाल से कवर कर दीजिए। आफ्टर गिविंग फर्स्ट एड टू द पर्सन, आस्क एन एडल्ट टू कॉल अ डॉक्टर। सबसे पहले अगर हमने किसी इंसान को फर्स्ट एड दे दी है तो उसके बाद आप डॉक्टर के पास जा सकते हैं। इफ द पर्सन इज हर्ट सीरियसली, इमीडिएटली कॉल एन एडल्ट एंड आस्क फॉर अ डॉक्टर। अगर कोई इंसान बहुत बुरी तरह से घायल हुआ है तो सबसे पहले आपको बड़ों को बुलाकर डॉक्टर के पास जाना चाहिए। स्टॉप पीपल फ्रॉम क्राउडिंग अराउंड, ओनली ट्रेन पीपल शुड गिव फर्स्ट एड टू सीरियसली इंजर्ड पर्सन। उसकी चारों तरफ भीड़ करने की कोशिश मत करिए, बल्कि जो ट्रेंड हो जिसे आता हो फर्स्ट एड देना, वही उस इंसान घायल इंसान को फर्स्ट एड दे दे। तो इस चैप्टर में आप लोग आपने कि हम अपने घर में, अपने घर से बाहर जिन भी प्लेसेस पर जाते हैं अपने आप को सेफ कैसे रखें, कैसे हम रूल्स को फॉलो करें, और अगर हमें चोट लग जाती है तो हमें क्या करना चाहिए। घबराना नहीं चाहिए बल्कि उस समय अपने आप को फर्स्ट एड देनी चाहिए। इसके अब एक्सरसाइज देखिए, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। विच ऑफ दीज शुड यू यूज ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ एन एडल्ट, कि बड़ों की सुरक्षा में आपको क्या काम करना चाहिए। मैच बॉक्स, नाइफ, सीजर्स, ऑल ऑफ दीज। आपको माचिस, चाकू या सीजर, इन तीनों का प्रयोग बड़ों की निगरानी में ही करना चाहिए। तो उसमें क्या आएगा आंसर, ऑल ऑफ दीज। विच ऑफ दीज कैन गिव यू एन इलेक्ट्रिक शॉक, आपको इसमें से इलेक्ट्रिक शॉक किससे लग सकता है। ओपन वायर्स, फायर बॉक्स, मैच स्टिक्स, नाइफ्स। इसका आएगा ओपन वायर्स। नंबर 3, व्हाई शुड यू नॉट फ्लाई काइट्स ऑन द टेरेस, आपको टेरेस पर पतंग क्यों नहीं उड़ाना चाहिए। इससे क्या होगा, इलेक्ट्रिक शॉक नहीं लगेगा, जलेंगे भी नहीं बल्कि हम गिर सकते हैं। यू मे फॉल ऑफ। इसका आंसर रहेगा सी। नंबर 4, विच ऑफ दीज कलर्स ऑन अ ट्रैफिक सिग्नल टेल यू टू वेट, आपको इनमें से ट्रैफिक कौन सा ट्रैफिक सिग्नल का कलर वेट करने के लिए कहता है। रेड का क्या मतलब होता है, स्टॉप, और ग्रीन का मतलब होता है गो। इसका आंसर आएगा ऑरेंज। ऑरेंज से हमें वेट करना होता है। विच ऑफ दीज विल यू यूज ऑन अ बर्ड, जब आप जल जाए तो आपको उस पर क्या करना है, गर्म पानी नहीं डालना, कसकर पट्टी भी नहीं बांधनी, हल्का गुनगुना पानी भी नहीं लेना, हमें ठंडे पानी में अपने आप को रखना है। इसके बाद देखिए फिल इन द ब्लैंक्स। यू शुड क्रॉस अ रोड ओनली एट द ज़ेब्रा क्रॉसिंग। नंबर 2, ऑलवेज कीप टू योर लेफ्ट व्हेन यू आर राइडिंग अ बाइसिकल। नंबर 3, व्हेन द ट्रैफिक लाइट चेंजेस टू रेड कार शुड स्टॉप, कि जब ट्रैफिक लाइट रेड होती है तो कार्स क्या हो जाए, रुक जाती है। द इमीडिएट हेल्प दैट यू गिव टू अ पर्सन हु इज हर्ट इज कॉल्ड फर्स्ट एड, घायल व्यक्ति को तुरंत दी जाने वाली मदद को क्या कहा जाता है, फर्स्ट एड। मैच द वर्ड्स इन द 2 कॉलम्स, नाइफ कट, मैच स्टिक बर्ड, प्लग पॉइंट इलेक्ट्रिक शॉक, स्टेयरकेस फॉल। और इसके बाद आपके क्वेश्चन आंसर हैं वो आपको कॉपी में करने हैं। थैंक यू।